ये आरजू की चाची है ना, महक चाची, उन्हें भेज देती हूँ। फोटो तो मैंने खींच दी देवरानी जी की, मजा आएगा। परेशान मत होइए बाबू, इसमें ना आपकी गलती है और ना ही आरजू की। विक्रम चलो सब एक एक करके आरजू को और छोटू को इनके मुंह दिखाई का तोहफा दो। 5 मिनट रुकिए सूरज जी, मैं आरजू की साड़ी बदलवा के लेकर आती हूँ। आरजू चलो मेरे साथ। क्या हुआ छोटू, इतना मुंह क्यों लटका हुआ है? वैसे बाबू आज छोटू की बारी है, आज देखना है हमें कि छोटू अपनी आरजू को कितना प्यार करता है। इसलिए छोटू आज आरजू के लिए छंद गाएगा। और हाँ छोटू, इसमें थारी मदद बाबू बिल्कुल ना करेगी। क्यों बाबू? तू आरजू से प्यार करता है इसलिए छंद तू ही सुनाएगा और ना ही मैं थारी मदद करूंगा, समझे? चल सुना। माँ तो हमेशा टापर को साथ देवे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। ये लो आरजू, ये पहन लो, कैसा है? चलो जल्दी से इसे पहनकर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई है ना, आज तो तोहफे मिलने का दिन है ना, आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सच में आरजू में बच्चों जैसी सच्चाई और मासूमियत है, ऐसी लड़की भला किसी के लिए क्या खतरा बनेगी? संदेह भाभी की मोहर का इस्तेमाल करके हमने तो अपना काम कर दिया, बस अब किसी को पता चलने के पहले मेरा मकसद जल्दी से पूरा हो जाए। वैसे बाबो आज छोटू की बारी है, आज देखना है हमें कि छोटू अपनी आरजू को कितना प्यार करता है। इसलिए छोटू आज आरजू के लिए छंद गाएगा। और हाँ छोटू, इसमें थारी मदद वो बिल्कुल ना करेगी। तू आरजू से प्यार करता है इसलिए छंद तू ही सुनाएगा। माँ तो हमेशा टापर को साथ देवे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जी मैं की कह रही थी कि बड़े दिन हो गए आपके हाथ का कुछ खाया नहीं, तो क्यों ना आज मिठाई विठाई हो जाए। हाँ मीनाक्षी, आज तो दुगनी खुशी है, इसलिए आज मैं दो दो हाथों से मिठाई खिलाऊंगा और दो दो हाथों से सबको बांटूंगा। क्या बात है भैया, ये आरजू की चाची है ना, महक चाची, उन्हें भेज देती हूँ। फोटो तो मैंने खींच दी देवरानी जी की, मजा आएगा। ये सामान सारा यहीं रख दो, भावो आएंगे तो मैं बता दूंगी उनको। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, तो तुम यहाँ अचानक, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट काम था क्या? नहीं मैडम जी, कोई काम नहीं है, अभी तो आपके आराम करने का टाइम है। मतलब मैडम जी, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ, आपने जो अप्लाई किया था 3 महीने की छुट्टी के लिए, उसकी मंजूरी मिल गई है। क्या 3 महीने की छुट्टी? मैंने तो कोई छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं दी है। मैडम जी आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, ये देखिए एप्लीकेशन आपके तरफ से आई थी, ये देखिए। इस पर तो मेरा नाम लिखा। ये एप्लीकेशन तो मैंने नहीं देखी है, इस पर मेरी मोहर भी लगी हुई है, मेरी मोहर इस पर कैसे लग गई? मैडम जी आपके घर से एक महिला आई थी, उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाली थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी जिठानी जी, अरे राम जी, बाबू क्या कर दिया इसने? मेरे नाम की 3 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन जाकर तुमने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी। क्या हुआ?
ये यही है ना? नहीं मैडम जी, ये वो नहीं है। तो वो थोड़ी लंबी चौड़ी सी थी। हमारे पे हमेशा झूठा इल्जाम लगता है। वो लंबी चौड़ी बिंदी हमारे घर में एक ही तो है, वो आरजू। आरजू मुस्टंडी। आरजू? हाँ, लेकिन आरजू कैसे? हाँ, उन्होंने अपना नाम आरजू बताया था। तीन महीना की छुट्टी। आरजू? मैडम जी, साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी तीन महीने की छुट्टी की मंजूरी मिल गई है। अभी ही आरजू की हरकतों से ये माना था मैंने कि आरजू बहुत ही मासूम और सच्चे दिल की लड़की है, और यहाँ कितनी आसानी से आरजू ने मेरी मोहर का इस्तेमाल करके मुझे आतंकवादी विरोधी दल से बाहर निकाल दिया और पुलिस स्टेशन तक पहुँच गई। ये कोई संजोग नहीं हो सकता। तैयार हो गए हम। कैसे लग रहे हैं हम? रे महाराज राम जी, रे सूरज, क्या है ये? मेरे नाम की एप्लीकेशन लिखकर तुमने पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी और इस पर मेरी मोहर भी लगाई। क्यों किया तुमने ये? जवाब दो आरजू। आरजू बीनानी, जवाब देना। संध्या बीनानी क्या पूछ रही है? जवाब दो मुझे। एक सरकारी ऑफिसर की जानकारी के बिना उसकी मोहर का इस्तेमाल करने का मतलब जानती हो तुम? और तुमने ये मोहर मेरे कमरे में से ले ली है ना? क्यों? मकसद क्या है तुम्हारा? देखा जी, आज तक बाबू की इतनी हिम्मत ना हुई कि जेठानी जी की चीजों पे हाथ लगा दे, और ये संध्या। आरजू, देखो आरजू, घबराओ मत। अगर तुमसे अचानक या फिर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो बोल दो ना। यहां तो सब अपने परिवार वाले ही हैं, तो क्यों किया ये सब? बताओ आरजू। जी, ये सब हमने जानबूझ के किया। जानबूझ के? लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी। वो संध्या भाभी जान पेट से है ना? क्या? क्या? और ऐसे में पहले तीन महीने बहुत नाजुक होते हैं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए। झूठ है ये। किसने किसने कहा तुमसे ये? किसने कहा? बीनानी, जरा रुक तो। आरजू बीनानी, ये बता मारे को, थारे को कैसे पता चला कि संध्या बीनानी पेट सो है? मैंने तो थारे को ना बताया था। कैसे पता चला क्या? भाबू, वो आप बाबा साहब से बात कर रही थी तो हमने सुन लिया था। रे महाराज राम जी, आज ही सुनो जी।
ये शुरू के 3 महीने ना चच्चा और बच्चा के वास्ते ना बड़े ही नाजुक हुए। इसमें चच्चा ने ना आराम करना चाहिए। और फिर देखो संध्या भिनी की ड्यूटी और ऊपर से ब्याह की भाग दौड़ में ना संध्या भिनी पूरी थक कर हार चुकी होगी। पर संध्या भिनी की ड्यूटी के आगे ना किसी की ना चले जी। बड़ी जिद्दी है हमारी भिनी। हे ठाकुर जी, कोई जादू की छड़ी मारे हाथ लग जावे तो मैं संध्या भिनी पर घुमा करके ना 3 महीने के लिए सुलाई दियो, आराम मिल जाए कुमारी भिनी। कह रही है सर, दोस्तों 3 महीने की छुट्टी क्या मुमकिन हुए? इसलिए हमने आपको 3 महीने घर पे आराम दिलाने के लिए छुट्टी दिलवाई। आप हमारे कहने से तो मानने वाली थी नहीं, तो हम ही पुलिस स्टेशन गए और एप्लीकेशन दे आए। जी कह रहे हैं नाजुक 3 महीने समझ में ना आ रहे। यहाँ तो पूरी खिचड़ी पक गई है। जेठानी जी पेट से हैं, बाबू बाबा सबको पता, मनी को नहीं पता, मनी ना पता। हमें नहीं पता था कि आप इतना नाराज हो जाएंगी। हमने कुछ गलत किया के भाईजान? संध्या बीनी, सूरज, तुम दोनों मारे कुछ ये बताओ। उस दिन तुम दोनों ही तो कह रहे थे ना कि बाबू इस घर में नया मेहमान आने वाला है जिसके आने से घर के आंगने में खुशी हो जावेगी, घर को आंगनों चहक जावेगो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जावेगी। बाकी के टाबर तो बड़े हो गए हैं, एक नया खिलौना चाहिए। सूरज तो बोले क्यों को नहीं? हाँ, या तो उस दिन तुम दोनों झूठ बोल रहे थे या मैंने कुछ गलत समझ लिया। नहीं भावो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने कहा था ये, मगर मतलब ये नहीं था। तो के था भावो, हम वो चुलबुल को लाना चाहते थे घर में। चुलबुल? 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 अब जे चुलबुल कौन है? मैं भी तो देखूं कि जे चुलबुल कौन है जिसमें इतनी सारी खूबियां है जिसके आने से हमारे घर परिवार में रौनक आ जाएगी। हाँ बताओ हमारे को, चुलबुल है कौन? चुलबुल जे कर सके है, चुलबुल वो कर सके है, कटे है चुलबुल? मैं भी मिलना चाहूं चुलबुल से। रे बताओ मारे को, कटे है चुलबुल? चुलबुल? रे महाराज राम जी, रे कहां से आ गई ये? चुलबुल, बाबू यही तो है हमारा चुलबुल। ये कुत्ता नहीं चुलबुल है? जी चुलबुल है। इसी से तो मिलना चाहती थी आप। अच्छा तो जी चुलबुल है, उस दिन तुम दोनों इसके बारे में बात कर रहे थे। बाबू हमारा भरोसा कीजिए, भाईजान और भाभी जान ने चुलबुल के बारे में जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। वहां हैदराबाद में भी हमारे घर में पूरी रौनक लगाए रखता था चुलबुल। सूरज बाबू ऐसे बात कह रहे हैं, उस दिन जो भी बोला था ना वो चुलबुल के बारे में ही बोला था। बाबू मैं जानू तुझे कुत्तों से चिढ़ है,
लेकिन ये वो गली वाला आवारा कुत्ता जैसा ना है बाबू, ये पालतू कुत्ता है। क्या बोले जो? और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी आरजू का बड़ा मन लग गया इसके साथ। भैया बाबू देखो तो जरा, आपकी पसंद वाली बीननी क्या कर रही है, मतलब वो कुकुर को ऐसे प्यार कर रही है जैसे मायके से टावर लाई हो। ना बाबू, देख 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 बाबू कैसे कैसे मासूम बच्चे की तरह देख रहा है, देखना ये बहुत ही प्यारा है बाबू, तू देखना थारे को तंग ना करेगा, ना रसोई में जाएगा ना बाहर जाएगा, इधर ही खेलता रहेगा बच्चों के साथ। बाबू देखना तू, दो चार दिन में सबके साथ मन लग जाएगा इसका। प्लीज बाबू, मना तो ना करेगी। आज तो गई काम से। बाबू मना करेंगे, मुझे पता है। ये सब चीजा के लिए ना बाद में सोचूंगा। चल पहली मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर ले। आए छोरा। चलो नाराज मत, बाद में देखते हैं। आरजू की हरकतें सहयोग हैं या इन हरकतों के पीछे कोई सच्चाई, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।